कुछ टेक्निकल कारणों से मेरा पिछला वीडियो अधूरा रह गया था, उसी को हम वापस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के कारणों की, जिसमें मैं बात कर रहा था कि हजारा का जो सूबेदार था छत्तर सिंह, उसको अंग्रेज अपमानित कर रहे थे। इसका कारण क्या था कि छत्तर सिंह का जो पुत्र था शेर सिंह, उसको लाहौर दरबार की तरफ से मुल्तान का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था, और अंग्रेज उसी के पिता को अपमानित कर रहे थे। इसका कारण ये था कि अंग्रेज ये चाहते थे कि जो शेर सिंह है वह भी विद्रोह में शामिल हो जाए, वह भी विद्रोह में विद्रोह कर दे, जिससे क्या है कि पंजाब को ऊपर आक्रमण करने का अंग्रेजों को एक ठोस कारण मिल जाए। इसलिए उन्होंने शेर सिंह के पिता छत्तर सिंह का भी अपमान कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसके पुत्र शेर सिंह ने भी मुल्तान के विद्रोह को दबाने की बजाय वह भी मुल्तान के दीवान मूल राज के साथ मिल गया, और दोनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। अब इस प्रकार इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा करके सिखों को एकजुट करना प्रारंभ कर दिया, और इस प्रकार से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में 1848 नवंबर में लाहौर दरबार की तरफ से हजारा के विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजी सेना ने रावी नदी को पार किया। 22 नवंबर 1848 को चिनाब नदी के किनारे रामनगर नामक स्थान पर दोनों पक्षों में पहला युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों को हानि उठानी पड़ी। इसके बाद 3 दिसंबर 1848 को सादुलपुर के निकट दोनों पक्षों में एक अनिर्णायक युद्ध हुआ। इसके बाद 13 जनवरी 1850 को चिड़ियानवाला नामक स्थान पर एक जबरदस्त युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिखों के बीच में, जिसमें दोनों पक्षों को बहुत भारी हानि उठानी पड़ी। तत्पश्चात 21 फरवरी 1849 को इस आंग्ल सिख युद्ध की निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, जिसको गुजरात का युद्ध कहा जाता है। इसके दूसरे दिन 22 फरवरी 1849 को मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने आत्मसमर्पण कर दिया। 12 मार्च 1849 को शेर सिंह, छत्तर सिंह और अन्य सरदारों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, और इसके साथ ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो गया। इसके पश्चात जो लॉर्ड डलहौजी की मूल मंशा थी, उस मंशा के आधार पर 29 मार्च 1849 को एक घोषणा के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। एक इस घोषणा से पूर्व जो पंजाब के महाराजा दलीप सिंह थे, उन्होंने एक आम दरबार में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और अपना राज्य अंग्रेजों को समर्पित कर दिया। दलीप सिंह को पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। बाद में दलीप सिंह इंग्लैंड चले गए, उनकी माँ रानी जिंदन भी जो है वह इंग्लैंड चली गई, और इसी के साथ एक शक्तिशाली सिख राज्य, जिसकी स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी, वह सिख राज्य भारत के नक्शे से समाप्त हो गया, और लॉर्ड डलहौजी ने उसका विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया। तो छात्रों, इस प्रकार ये हमने पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में इस विषय पर गहन जो चर्चा की है, आप सब उन वीडियोस को देखिए और इस विषय को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।